नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। देखेगा, कल हमने यूनिट एंड डाइमेंशंस के बेटा पूरी थ्योरी कवर की थी। आज हम उसी के पीवाई की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। जो चैप्टर पढ़ा था यूनिट डायमेंशन, उसी के MCQ हैं। लाडलो, आप कमेंट में बताते जाना, जवाब देते जाना सारे क्वेश्चनों के। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बेटा। आप सब लोग ढंग से पढ़ना क्वेश्चनों को और उनके जवाब भी देना। क्लियर है बच्चों? देखिएगा, अपन समझते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। सभी लोग जुड़ गए होंगे। देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू व्हाट। व्हाट मतलब ये पूछ रहा है आपसे लाडलो कि निम्न में से कौन सा मात्रक बाट के बराबर नहीं है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं लाडलो हमें, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से बताइएगा कौन बाट के बराबर नहीं है। तो देख पाएंगे अपन, समझते हैं कौन बाट के बराबर है लाडलो और कौन बाट के बराबर नहीं है। सा तो ध्यान से समझते हैं बेटा। देखिएगा, आप समझिएगा लाडलो, जो बाट होता है, आप समझिएगा जो वाट होता है बेटा, जो वाट होता है वो किसकी यूनिट होती है। जो वाट होता है वो किसकी यूनिट होती है? तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा, वाट शक्ति की यूनिट होती है बेटा, पावर की यूनिट होती है। वाट शक्ति की पावर की यूनिट होती है बेटा। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लाडलो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है लाडलो? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय होता है। ये फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इसके अलावा भी जब हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो और फॉर्मूले नज़र आते हैं लाडलो। वो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं समझिएगा। पी इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास वी आई। क्या होता है प्यारे बच्चों? वी आई। वी मतलब वोल्टेज को, आई मतलब करेंट को बताता है लाडलो। क्लियर है? इसके साथ एक और फॉर्मूला आता है इसका, एक और फॉर्मूला इसका होता है आई स्क्वायर आर होता है लाडलो। क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, मतलब एम्पियर का स्क्वायर और क्या होता है बेटा? आर होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है इसका वी अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? आप याद रखेंगे, वी अपॉन क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है? आर या वी आर होता है प्यारे बच्चों। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अपन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने लिए करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है लाडलो। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेगा, अगर यहां से यूनिट निकालें तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है बेटा। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है सा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जूल अपॉन सेकेंड। हाँ, ए वाट के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पावर इक्वल टू शक्ति बराबर क्या होता है? जूल बटे सेकेंड, मींस वर्क अपॉन टाइम होता है बेटा। ये बात बिल्कुल सही है। आप दूसरा देख पाएंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई होता है। वी आई का मतलब क्या है लाडलो? समझने का प्रयास करते। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट। तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जैसे वी आई से, तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। आई की यूनिट एम्पियर और वी की यूनिट क्या हो जाएगी? बोल्ट। क्या हो जाएगी बेटा? बोल्ट। तो कहीं ना ए भी किसके बराबर है बेटा? वाट के बराबर है सा। ए भी बात कहीं ना कहीं वाट के बराबर है सा। तो ए भी बात बिल्कुल सही है, ए भी वाट के बराबर है सा। पर वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है मेरे लाडलो? नहीं पूछना चाहता है कि कौन नहीं है। तीसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बेझिझक होके सा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख पाएंगे एम्पियर डॉट ओम। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है बेटा, ऑप्शन में थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। एम्पियर स्क्वायर होगा यहां पर, क्या होगा आप सुधार लेंगे, एम्पियर स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे आई स्क्वायर आर, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर का स्क्वायर और आर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा बेटा? ओ। तो ए भी बात बिल्कुल सही है सा।
पर ये बात सही नहीं है, एम्पियर अपॉन वोल्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि तो फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है बेटा, क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ऐसा। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ अच्छे से लिख दे रहा हूं तो आप समझिएगा कैसे क्या थे, पी के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पी इक्वल टू एक तो होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इससे क्या आ गया बेटा, जूल अपॉन सेकेंड हो गया ऐसा। एक होता है पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इससे इसकी यूनिट क्या आ गई, एम्पियर इंटू क्या आ गई बेटा, ओम हो गई, एम्पियर इंटू ओम हो गई सा। एक होता है पी इक्वल टू, एक होता है पी इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से एक यूनिट इसकी ए हो गई बेटा, वोल्ट इंटू क्या हो गई साहब, एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर सा। तो ये तीनों बातें सही हैं, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं इसके, पर ए कभी नहीं होता है, तो कौन सा बराबर नहीं होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट। ये बातें याद रखना, मैंने बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिया है मेरे लाडलो आपको सा, तो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ऐसे भी फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं सा। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को, और कहीं ना कहीं जो डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा लाडलू। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और आप लोग जवाब दीजिएगा लाडलू क्या कहता है ऐसा, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, समझते हैं ऐसा, देखिएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, मतलब न्यूटन इंटू सेकंड किसका मात्रक है, तो न्यूटन इंटू सेकंड क्या बोल रहा है लाडलो, समझने का प्रयास करते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड, अपन इतना तो समझ गए, न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा, फोर्स की होती है, किसकी होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, अच्छे से जानते हैं, और सेकंड किसका मात्रक होता है बेटा, टाइम का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, टाइम का मात्रक होता है ऐसा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फोर्स इंटू टाइम आता है, तो ये फॉर्मूला होता है लाडलो इंपल्स का, किसका होता है, इंपल्स का होता है, किसका होता है, इंपल्स का होता है, आवेग का होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, आप याद रखेंगे लाडलो, आवेश बराबर होता है बल गुणा समय, आवेश बराबर होता है बल गुणा समय। तो अब क्या आवेग इस ऑप्शन में दिया हुआ है लाडलो, अभी दुविधा रह गई, आप इस आवेग नहीं दिया हुआ है, मींस इंपल्स नहीं दिया हुआ है ऐसा, आवेग नहीं दिया हुआ है, आवेग है, इंपल्स नहीं दिया हुआ है ऐसा, तो क्या हो सकता है ऑप्शन, समझते हैं, देखिएगा एक बात आती है कि जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है बेटा, समझना मेरी बातों को लाडलो, जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है ऐसा, जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है P इक्वल टू एम भी, क्या होता है प्यारे बच्चों, संवेग को मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा। तो P इक्वल टू होता है एम भी, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, जब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे लाडलो तो इसका विमीय सूत्र निकल कर आएगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एम वन, और वेग का क्या हो जाएगा एल वन टी माइनस वन, तो इसका ए विमीय सूत्र निकल कर आता है सा। इसी प्रकार जब आप आवेग का विमीय सूत्र देखेंगे तो आवेग का भी विमीय सूत्र बिल्कुल सेम निकल कर आता है, जैसे फोर्स का क्या हो जाएगा एम वन, आप याद रखेंगे फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा एम वन एल वन, और क्या हो जाएगा टी माइनस टू, और एक टी इंटू में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा टी की पावर वन, माइनस टू और प्लस वन, तो आप लोग चेक कर पाएंगे लाडलो एम वन एल वन और कितना आ जाएगा टी माइनस वन, दोनों के विमीय सूत्र कैसे आ रहे हैं, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं समान, तो न्यूटन इंटू सेकेंड यूनिट किसकी हो जाएगी बेटा, संवेग की हो जाएगी, मोमेंटम की हो जाएगी, वैसे तो आवेग की होती है पर आवेग का विमीय सूत्र किसके समान होता है, संवेग का, और ऑप्शन में क्या दिया था लाडलो, संवेग दिया था सा। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखेगा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िएगा जवाब दीजिएगा लाडलो, देखेगा बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सही मात्रकों में प्रदर्शित नहीं है, मतलब चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, सही मैच नहीं कर रहा है ऐसा।
तो देखेगा जो सही मैच नहीं कर रहा है, बातों को समझते हैं। पहला दिया है बेटा अपने पास प्रतिबल और विकृति का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात बिल्कुल सही दी है लाडलो। मैं आपको बता दूं जो प्रतिबल बराबर होता है, जो प्रतिबल बराबर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और विकृति का कोई और विकृति का मतलब स्ट्रेन का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है और ना ही कोई इकाई होती है। तो इसका कितना हो जाएगा, इकाईहीन हो जाएगा सर, इकाईहीन हो जाएगा। तो बचा खुचा यही रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये बात बिल्कुल सही दी गई है लाडलो, विकृति प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल बटे विकृति का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है लाडलो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, तो याद रखेंगे सरफेस टेंशन T इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एल का क्या हो जाएगा, मीटर। तो ए भी बात सही दी हुई है, कोई गलत नहीं दिया हुआ है बेटा इसमें, ए भी मतलब मात्रक सही दिया हुआ है सा। सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर ही होता है लाडलो। अब एनर्जी का दिया हुआ है, समझते हैं एनर्जी का क्या होता है, यहां समझ लेते हैं लाडलो। एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब होता है या तो काइनेटिक एनर्जी ले ले या पोटेंशियल एनर्जी ले ले। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लाडलो। तो गतिज ऊर्जा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही तो है सा। तो जो इसका विमीय सूत्र निकल कर आएगा वो इसका, मतलब जो इसकी इकाई निकल कर आएगी वो इसकी इकाई निकल कर आएगी। तो इसकी इकाई क्या निकल कर आएगी, समझते हैं, एक बटे दो, वन बाई टू कैसा है बेटा, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसका विमीय सूत्र निकाले, एम का क्या हो जाएगा, एम वन, वेलोसिटी का स्क्वायर है। वैसे वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है लाडलो, लेकिन स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके बराबर आता है प्यारे बच्चों, वर्क के बराबर आता है सा। अगर मैं इसकी यूनिट चेक करूं तो यूनिट क्या आएगी बेटा, बताइएगा सा, यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड स्क्वायर। क्या यह यूनिट किसी इस ऑप्शन से क्या मैच कर रही है सा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, मतलब स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो यह यूनिट मैच नहीं कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, सी ऑप्शन हो जाएगा। और दाब का भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये न्यूटन है एम नहीं है सा। क्लियर है लाडलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं लाडलो। पढ़िएगा, जी जान लगा दीजिएगा सर, जो भी दिक्कतें हो पूछ लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही पढ़ा रहे हैं बेटा। तो जुड़े रहिएगा और लोगों को कनेक्ट भी कीजिएगा, और आप पढ़े वीडियो को देखिएगा अभी सर, और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा आज से ही। जैसे कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो आज से ही आपको स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शक्ति का मात्रक है, द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर किसका, मतलब पावर का मात्रक है, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक है, क्या हो सकता है लाडलो बताइएगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, अभी चित्र मैंने किया था, पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा बताइएगा, वर्क अपॉन टाइम होता है कि नहीं। और वर्क का अगर यूनिट चेक करूं मैं इसकी, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसी की दूसरी यूनिट बाट भी होती है, क्या होती है बेटा, बाट भी होती है सर। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जूल पर सेकंड एंड वाट, बोथ, दोनों ही हो सकती हैं, पावर की यूनिट, शक्ति की यूनिट। डब्ल्यू किसको बता रहा है, कार्य को बता रहा है बेटा, वर्क को बता रहा है सा। और टी आप जानते हैं किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है। तो इसकी दोनों यूनिटें हो सकती हैं, जूल पर सेकेंड और वाट भी हो सकती है लाडलो, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप बने रहिएगा, अगले क्वेश्चन समझिएगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है लाडलो। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक पूछने का प्रयास कर रहा है सब। तो समझते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका।
तो फॉर्मूला होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है अगर M1 और M2 दो मास के ब्लॉक हैं तो इनके बीच क्या लग रहा होगा बेटा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। मान लीजिएगा कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। तो बताया गया न्यूटन के द्वारा, इन्होंने कहा जो F होता है वो किसके बराबर निकल कर आता है, F बराबर जी M1 इंटू M2 अपॉन कितना होता है बेटा r2। ए किसके द्वारा कहा गया, न्यूटन के द्वारा। यहाँ पर जो जी होता है वो ही क्या कहलाता है बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है सा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है सा, मतलब जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब यहाँ से जी का आपको मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा समझिएगा, जी को निकालना चाहें तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और नीचे ये दोनों द्रव्यमान हैं, दोनों द्रव्यमान हैं तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब घात कितनी लग जाएगी बेटा, दो लग जाएगी सब। अब अपन समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्या होंगी बातें सब, देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन किस किस में मैच कर रहे हैं। ऑप्शन एक तो न्यूटन में दे रहा है और किलोग्राम में भी दे रहा है बेटा, तो समझते हैं निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अगर यहां बात हो जाए तो यहां एक तो मात्रक यहां बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, द्रव्यमान है तो क्या आ जाएगा बेटा किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा बेटा किलोग्राम स्क्वायर। पहले तो ये चेक करते हैं क्या इस पैटर्न पे कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या अपन को सा, हाँ बिल्कुल मिल रहा है बेटा, सी ऑप्शन, क्या मिल रहा है सी ऑप्शन, क्लियर है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कौन सा मात्रक हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा सा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा सा। तो ये बातें आपको याद रखना होगा, जी की वैल्यू फिक्स होती है, ए भी कहीं ना कहीं अगर बात पूछ ली जाए तो आप याद रखेंगे 6.67 इंटू 10^-11, यूनिट क्या लिख देंगे, यही यूनिट लिख देंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा किलोग्राम का स्क्वायर, क्लियर है सर। कोई डाउट हो बच्चों तो बताइएगा कमेंट में। जी की वैल्यू फिक्स होती है, ये बात डायरेक्ट पूछी जाती है तो आप भी इसको याद रखेंगे और मात्रक भी इसका याद रखेंगे बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसआई पद्धति में दाब का मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है लाडलो, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है सा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है सा, तो आप सब लोग जानते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा पास्कल होती है, क्या होती है पास्कल, ये बात आप याद रखेंगे दिमाग में छाप लेंगे सब पास्कल, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है प्यारे बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो जो एक वैज्ञानिक थे पास्कल, तो उन्होंने इस दाब के बारे में जानकारी दी थी हमें या जानकारी ग्रहण की गई, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया पास्कल। अगर दूसरा मात्रक अगर इसका पूछा जाता तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन पर क्या हो जाता है बेटा मीटर स्क्वायर, ये उसका दूसरा मात्रक हो जाता सा, पर क्या दिया हुआ है पास्कल, तो करेक्ट जवाब क्या जाएगा पास्कल ही जाएगा लाडलो, क्लियर है सा। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सा, अगला क्वेश्चन दिया रहा है ऐसा ही पद्धति में कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा सा, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो सकता है बेटा समझते हैं। पहले तो सूत्र आना चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण इक्वल टू, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोणीय त्वरण
इक्वल टू अल्फा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों ओमेगा वटे टी। क्या होता है? ओमेगा वटे टी, ओमेगा वाई टी। ओमेगा क्या होता है यहाँ पर? ओमेगा होता है कोणीय वेग। क्या होता है प्यारे बच्चों? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ओमेगा? क्या होता है? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी होता है बेटा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ये बात आप याद रखेंगे सब, क्लियर है? तो इसका मात्रक पूछा जा रहा है, तो मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? आपको मैं बता दूं, ओमेगा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों थीटा बाई टी। थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है कोण बटे समय। तो इसका अगर ओमेगा का मात्रक देखना चाहें तो ओमेगा का मात्रक क्या हो जाए? कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है बेटा, ये बात आपको बताई गई थी। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है सर। तो ओमेगा की जगह वहाँ कितना रखेंगे? रेडियन, रेडियन पर सेकेंड लिखेंगे बेटा। पर आपको पता होना चाहिए समय एक और दिया है तो नीचे एक और सेकंड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड माइनस टू, तो मतलब अब नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा सब, प्लस में घाते आ जाएंगे उसकी लाडलो, क्लियर है सब। तो क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं। तो ओमेगा का भी क्या पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, वहां मैंने बता दिया है आपको सब, क्लियर है लाडलो? जो उसमें बैठिएगा पढ़ते रहिएगा सब, जो उसमें बैठिएगा पढ़ते रहिएगा सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सब? अगला क्वेश्चन है स्टीफन कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा सब? स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू क्या होगा सर? देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा हीट का है, तो स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है समझिएगा। स्टीफन ने कहा जो इमिसिव पावर होती है, जो उत्सर्जन क्षमता होती है, समझना, स्टीफन के अनुसार, स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, स्टीफन के अनुसार कहा गया, ये सब आगे पढ़ेंगे आप फिजिक्स में। इस चैप्टर में बेसिक है तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ का दिया हुआ है, सारे चैप्टरों का कुछ ना कुछ दिया हुआ है बेटा। स्टीफन ने कहा जो उत्सर्जन क्षमता होती है, जो किसी भी ब्लैक बॉडी की जो उत्सर्जन क्षमता होती है, वो मींस जो इमिसिव पावर होती है बेटा, जो इमिसिव पावर होती है, जो इमिसिव पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की घात 4 के। ये बात किसने कही लाडलो? स्टीफन ने कही। मतलब आप किसी पूर्ण कृष्ण का वस्तु को, परफेक्ट ब्लैक बॉडी को जब बहुत ज़्यादा तापमान देंगे तो वह अपने में से ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगता है, इमिट्स करने लगता है लाडलो। ये बात किसके द्वारा कही गई? स्टीफन के द्वारा कही गई सा। पर अपन से क्या पूछ रहा है? स्टीफन नियतांक का फॉर्मूला। तो जो उत्सर्जन क्षमता होती है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन T इंटू क्या होता है बेटा? A। ये बात आप याद रखेंगे। Q का मतलब है ऊर्जा और बचा खुचा क्या रह जाएगा? प्रोपोर्शनल, समानुपाती का साइन। जब समानुपाती का साइन उठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, और सिग्मा T की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 4, जो बचा खुचा है। Q मतलब ऊर्जा, T मतलब समय, और A मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल बेटा। तो चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। आप एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से मेरे बच्चों, हमें मात्रक निकालना किसका है? सिग्मा का, क्योंकि सिग्मा ही क्या है प्यारे बच्चों? स्टीफन नियतांक है। क्या है? स्टीफन नियतांक है सा। और स्टीफन नियतांक का वैल्यू फिक्स होता है, वो वैल्यू जो निकल कर आता है वो होता है 5.67 इंटू 10^-8। अब इसके पीछे मात्रक क्या लिखें? जो मात्रक इसमें दे रखा है, तो सिग्मा का मात्रक निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मात्रक निकाल रहा हूँ बेटा, तो ध्यान से समझना, यूनिट निकाल रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा क्या यूनिट होती है इसके साथ। तो क्यू की यूनिट क्या होती है? जूल होती है बेटा। समय की क्या होती है? सेकेंड होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सिग्मा की ये रहेगी। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी सा। आप एक बात जानते हैं, जूल अपॉन सेकंड को ही क्या कहा जाता है?
पावर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, और पावर की यूनिट क्या होती है, इतने को जूल अपॉन सेकंड को ही अपन क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं बेटा। तो वाट अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर 4 इधर आ जाएगी, केल्विन की पावर 4 इधर आ जाएगी सा, तो यह किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोले। तो ये ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन, वाट अपॉन मीटर, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन की पावर 4, ए है सब, माइनस में दिया है, नीचे आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा बेटा। तो यहाँ अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ अपन लिख सकते हैं वाट अपॉन मीटर इनटू केल्विन की पावर 4। तो ये वैल्यू याद रखना, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है सा, 5.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 बेटा, क्लियर है सा। सिग्मा स्टीफन नियतांक और फॉर्मूला ये होता है क्यू अपॉन टी इंटू ए इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, आप लोग इसको समझेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख पाएंगे ऊर्जा का मात्रक नहीं है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है सा, क्या नहीं हो सकता है ऊर्जा का मात्रक, समझते हैं। ऊर्जा को मैंने क्या बताया था, ऊर्जा किसके बराबर होती है बेटा, कार्य के बराबर होती है, मतलब कार्य का जो विमीय सूत्र आता है, एनर्जी का जो विमीय सूत्र आता है सा, वो ही किसका होता है, वर्क का होता है। तो फॉर्मूला अगर इसका डायमेंशन चेक करें तो क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका विमीय सूत्र चेक करें, डायमेंशन फॉर्मूला चेक करें तो क्या आएगा बेटा, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का आपको पता है याद होना चाहिए एम वन एल वन और क्या हो जाएगा बेटा टी माइनस टू, और एस का क्या हो जाएगा, एस लंबाई है तो एस का एल हो जाएगा। तो ओवरऑल विमीय सूत्र क्या निकल कर आएगा, एम वन एल टू टी माइनस टू निकल कर आएगा लाडलू। अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट चेक करूँ, मतलब ऊर्जा की यूनिट चेक करूँ बेटा, तो द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी, और लंबाई की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और समय की क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर। मतलब ऊर्जा का मात्रक ए होता है लाडलो, पर ऑप्शन में क्या दे रखा है आप अच्छे से चेक कर पाएंगे, ऑप्शन में दे रखा है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है, घात 2 नहीं दे रखी है, और आपसे यही तो पूछा है मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा बेटा, बी ऑप्शन नहीं होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, बाकी सारे होंगे। बाकी सारे कैसे हो सकते हैं, देखेगा अगर मैं यहाँ से दूसरा मात्रक निकालना चाहूँ तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, सर बात सही कह रहे हैं, ये तो है, क्लियर है बेटा। दूसरी बात, ऊर्जा का फेमस मात्रक जूल होता ही है, ये कल बताया गया था आपको सा। तीसरा सर ये कैसे आ गया, वाट इनटू सेकंड कैसे आ गया, ये बात समझ में नहीं आई। तो देखिएगा पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को ही अपन क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता कैपेसिटी ही क्या कहलाती है बच्चों, वर्क कहलाती है। तो अगर मैं यहां से ई निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा कि नहीं, और पावर की यूनिट वाट होती है और टाइम की क्या होती है बेटा, सेकेंड। तो ये भी बात कहीं ना कहीं किससे संबंध रख रही है, ऊर्जा के मात्रक से संबंध रख रही है कि नहीं रख रही है बेटा। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे लाडलू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक इक्वेशन हमें दे रखी है एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर सा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से हमें बताइएगा ए और बी और सी कांस्टेंट हैं तो सी का विमीय सूत्र या सी का मात्रक क्या होगा। तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई थी आपको, जहां भी प्लस का साइन लिखा हो, जहां भी प्लस का साइन लिखा हो वहां पर आप किसका साइन लगा लेंगे बेटा, इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो हमने पूरी इक्वेशन में साइन किसका लगा लिया बेटा, इक्वल का साइन लगा लिया सा। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है सा, तो आप याद रखेंगे ये सारी की सारी इक्वेशन आपको दे रखी है सा। तो आपको निकालना किसका है, इसमें से सी का निकालना है। तो आपको पता क्या है, एस पता है, एस वो क्या कह रहा है, एस इज मेजर्ड इन मीटर्स, मतलब एस को, एस जो दिया हुआ है उसको किस में मेजर किया जा रहा है, मीटर में मेजर किया जा रहा है सा। और मीटर का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो ये बात अपन को पता है, इसके इक्वल में किसको रख दें बेटा, इसको रख दें सी टी स्क्वायर को रख दें। और सी को अगर यहां से निकालना चाहें तो एस अपॉन क्या आ जाएगा बेटा,
एस अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। एस क्या है, लंबाई है साहब, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा लाडलो साहब। तो ऑप्शन छह करने, क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से करेक्ट, नन एम मीटर सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा लाडलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सर। अगर इसमें से बी का पूछता तो बी का क्या निकल कर आता है बेटा, एस इक्वल टू क्या हो जाता, बीटी हो जाता, और वी इक्वल टू क्या निकल कर आ जाता, एस अपॉन टी निकल कर आ जाता, मींस मीटर पर सेकंड हो जाता लाडलो। पर पूछा किसका है, सी का, तो आंसर क्या जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाडलो। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखेगा अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है सा। तो ये बात बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, कल बताई भी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है सा। तो देखेगा मैंने कहा भी था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10^-19 जूल होते हैं। तो बात कहीं ना कहीं कहां हिलक गए बेटा, जूल पर हिलक गए, और जूल आप जानते हैं किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहीं ना कहीं किसका मात्रक है बेटा, ऊर्जा का मात्रक है सा। ऊर्जा के और क्या क्या मात्रक बताए थे आपको, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। ऊर्जा का एक मात्रक, फेमस मात्रक आपको जूल बताया गया था सा। दूसरा मात्रक क्या बताया गया था, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बताया गया था बेटा, सेकंड स्क्वायर बताया गया था। एक मात्रक और बताया गया था 1 kWh। ये बात सीधी सीधी पूछी जाती है कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10^6 जूल होते हैं लाडलो। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी होंगी। आवेश का नहीं हो सकता, विभवांतर का, विभवांतर का तो वोल्ट होता है। आवेश क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज का आप जानती हैं क्या होता है सा, कूलाम होता है, मोमेंटम संवेग है, तो इसका भी नहीं हो सकता बेटा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आंकड़ा भी याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10^-19 जूल होते हैं लाडलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है क्या टेम्परेचर को ड्राइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या व्युत्पन्न राशियों के रूप में लिखा जा सकता है क्या। देखिएगा मैंने आपसे कहा था हमारे पास जो मूलभूत राशियां होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो कितनी होती हैं लाडलो, कमेंट में बताइएगा फटाफट, कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और 7 राशियां अपने आप में कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब यह किसी से मिलकर नहीं बनी होती है। उन्हीं 7 राशियों में क्या आता है, टेम्परेचर आता है। वो 7 राशियां कौन कौन सी होती है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एम्पियर हो गया, मोल हो गया, और क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस कैंडेला हो गया बेटा। तो ए थीटा, थीटा किसको बता रहा है, टेम्परेचर को, मतलब ए फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूलभूत राशि है, इसे किसी में ब्रेक नहीं किया जा सकता, किसी में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं होगा सा, क्योंकि इसे ब्रेक ही नहीं किया जा सकता, तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक क्या है, मूलभूत राशि है सा। बात समझ में आई लाडलो आपको, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा सा, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं। ए दिया हुआ है यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक है, इनमें से शक्ति का मात्रक क्या हो सकता है ऐसा, आसान है ये तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शक्ति, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। मैंने कहा था एक तो शक्ति का मात्रक क्या हो सकता है बेटा, जूल वटे सेकेंड हो सकता है, जूल अपॉन सेकेंड, और दूसरा क्या होता है, वाट होता है ऐसा। तो देखते हैं क्या इनमें से कोई मिल रहा है ऐसा, किलोवाट मिल रहा है। हाँ बात सही है, किलोवाट, वाट के साथ किलो जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, किलोवाट, यही सही है। किलोवाट हावर मतलब के डब्लू एच, ए तो अभी कहा था, ए किसका होता है, एनर्जी का होता है बेटा, ऊर्जा का होता है, मतलब शक्ति का नहीं हो सकता। डाइन किसका होता है, फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है, और जूल आप जानती हैं किसका होता है, ऊर्जा का होता है, या कार्य का होता है, एनर्जी का होता है, या वर्क का होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट हावर किसका होता है, एनर्जी का होता है। अभी बताया था एक किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं लाडलो। अब आपसे एक और क्वेश्चन कर दिया उसने, ऊर्जा का मात्रक बताइएगा, इसमें से ऊर्जा का कौन सा मात्रक हो सकता है सर, बताएं लाडलो क्या हो सकता है ऊर्जा का मात्रक इनमें से, यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का मात्रक क्या हो सकता है। देखेगा समझेगा, जूल अपॉन सेकंड क्या ऊर्जा का मात्रक हो सकता है, नहीं हो सकता। जूल अपॉन सेकंड किसका मात्रक है, पावर का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा, पावर, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है बेटा। क्या एंगस्ट्रॉम हो सकता है, नहीं हो सकता है बेटा। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है, 10⁻¹⁰ मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻¹⁰ मीटर, मींस यह डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का मात्रक है बेटा। क्या फर्मी हो सकता है, फर्मी भी नहीं हो सकता, फर्मी भी दूरी का मात्रक है। एक फर्मी में 10⁻¹⁴ मीटर होते हैं, 10⁻¹⁴ मीटर होते हैं बेटा। बाट डे बचा खुचा क्या हो गया, बाट डे, तो यही हो सकता है। पर ये होगा कैसे, समझने का प्रयास करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को ही अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ऊर्जा कह सकते हैं कि नहीं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही, कैपेसिटी ही क्या कहलाती है बेटा, ऊर्जा कहलाती है सा। अगर मैं यहां से वर्क का निकालूं तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा कि नहीं। पावर का क्या होता है, वाट होता है बेटा, और टाइम का क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है। पर इसने डे के रूप में कैलकुलेट किया है तो कोई बुराई नहीं है लिखने में, इसलिए इसका ऊर्जा का मात्रक क्या बन जाएगा, वाट इनटू डे हो जाएगा बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सा। क्यों हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल कर आएगा सर। कोई डाउट हो तो और बताएं कमेंट में बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर मात्रक किसका है। ये सीधा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। E इक्वल टू होता है V अपॉन L। E को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। E इक्वल टू V अपॉन L। भी का मतलब वोल्टेज डिफरेंस, और एल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक किसका है। समझने का प्रयास करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखेगा प्रेशर को आपने जाना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है लाडलो, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा सा, न्यूटन हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो किसका आ जाएगा, ये प्रेशर का आ जाएगा, दाब का आ जाएगा बेटा। बल का नहीं हो सकता, क्योंकि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, एनर्जी का जूल होता है, मोमेंटम का क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है। तो इसका तो अलग ही निकल कर आएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो सारे। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल। तो एफ अपॉन एल क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्या न्यूटन पर मीटर कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। पर सीजीएस में बात कर सकते हैं, न्यूटन का सीजीएस में क्या हो जाएगा बेटा, डाइन हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। आसान है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो उसी हिसाब से न्यूटन पर मीटर होना चाहिए था, पर ऐसा ही मैं बात नहीं दे रखी है करेक्ट, सीजीएस में बात करेक्ट दे रखी थी, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ गया लाडलो, सी नजर आ गया सा। कोई दिक्कत बताइएगा कमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श या धारा मापी में परिवर्तन गुणांक का मात्रक क्या है। द यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर इज। देखेगा नाम से ही समझ में आ रहा है, धारा मापी मतलब किसको मेजर कर रहा होगा बेटा, करंट को मेजर कर रहा होगा, और करंट को मेजर कर रहा होगा तो यूनिट क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। सीधा क्वेश्चन है, पर थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, स्पर्श या धारा मापी। पर ये मापता क्या है सा, जो धारा मापी होता है वो मापता क्या है, धारा को मापता है, और धारा करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर हो जाएगा सर। अगला है स्वप्रेरणा का मात्रक क्या है एकल कुंडली में, सेल्फ इंडक्शन। ये सीधा क्वेश्चन है, हेनरी ने इसके बारे में जानकारी दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हेनरी हो जाएगा स्वप्रेरण का सा। बाकी कोई नहीं हो सकता, फैराड, बेबर, टेस्ला। टेस्ला ने तो अलग बातें बताई थी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। फैराडे ने भी अलग बातें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी। स्वप्रेरण का संबंध किससे है, हेनरी से है बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा बेटा। सारे क्वेश्चन वही रखे गए हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, और पूछे गए हैं बेटा, क्लियर है। धन्यवाद, कोई भी बातें हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।